हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी स्टडी। दोस्तों, अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 11वीं विषय हिंदी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर इजी स्टडी सबसे पहले आप तक लेकर के आ चुका है। तो दोस्तों, वीडियो लास्ट तक देखिएगा, अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ आपको यह भी बता दें कि MP के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट पे अलग अलग क्वेश्चन पेपर देखने को मिल रहे हैं। हालांकि क्वेश्चन पेपर में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं है, लेकिन अलग तो हैं। तो मैं यह नहीं कहता कि यह आपके लिए रियल है, लेकिन हाँ, देख लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएं। तो इस वीडियो में आपको दो क्वेश्चन पेपर मिले हैं, हमको दोनों क्वेश्चन पेपर का डिस्कस करेंगे। और हाँ दोस्तों, आप लोग हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी नोटिफिकेशन जो भी मिलती है, अपडेटेड चीज़ें, सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन, सारी चीज़ें टेलीग्राम पे हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। साथ ही आप हमसे टेलीग्राम से डायरेक्ट जुड़ सकते हैं, बात कर सकते हैं, कुछ भी हो पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपन क्वेश्चन इसमें देखेंगे, आंसर आपको नीचे दिए हुए हैं, तो आप लोग वहां से देख लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। सही विकल्प है, किस संचार शास्त्री के अनुसार संचार अनुभवों की साझेदारी है। सेकंड है, शास्त्रीय संगीत का स्थायी भाव क्या है। थर्ड है, रजनी पाठ की लेखिका है। चौथा है, स्पीति घाटी में किस धर्म का अधिक बोलवाला है। पांचवा है, कारागार में भवानी प्रसाद किस कार्य में व्यस्त रहे। तो छठवां है, कवि का पिता को भी क्या महसूस नहीं हुआ, कवि के पिता को कभी क्या महसूस नहीं हुआ। तो ये लीजिए, इसके आंसर आपको बता दें। लेकिन अगला क्वेश्चन देख लीजिए, मोर मुकुट कौन है। अब आंसर देखिए, पहले का आंसर है विप्लव श्रेम, दूसरे का है गंभीरता, तीसरे का मनु भंडारी, चौथे का बौद्ध धर्म, पांचवें का कातने में, छठवें का बुढ़ापा, सातवें का श्री कृष्ण। तो ये आपके देख लीजिए फटाफट, ये सारे आंसर दिए हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, खाली स्थान जी रिक्त स्थान देख लीजिए, तो ये सभी के आंसर भी आपको दिए हूँ। आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि पेपर आपका कल है, तो लिखे नहीं, सिर्फ स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, क्योंकि पूरे सॉल्यूशन के साथ PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम में, तो टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। उसके बाद रिक्त स्थान आपने देख लिया, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सही जोड़ी। तो दोस्तों, सही जोड़ी आपका ये लीजिए, मैं आप कहते हो आप, तो मैं मिलान कर देता हूँ। पहला है धन राम लोहार, तो इसका राइट आंसर है ब्राह्मण, ये लीजिए पहले का राइट आंसर है ब्राह्मण। दूसरा है गलता लोहा, इसका राइट आंसर है शेखर जोशी, गलता लोहा शेखर जोशी। तीसरा है पटकथा, इसका राइट आंसर है दृश्य, ये लीजिए तीसरे का है दृश्य। चौथा वीर, वीर का क्या है उत्सव। पांचवा है पंत जी का मूल नाम, तो पांचवें का राइट आंसर है गोसाई दत्त, पंत जी का मूल नाम क्या है गोसाई दत्त। छठवां है रामचरितमानस, इसका राइट आंसर है तुलसीदास जी, इसका क्या राइट आंसर है तुलसीदास। इस प्रकार से आपकी सही जोड़ी हो गई। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एक वाक्य में उत्तर। तो एक वाक्य में उत्तर, पहला है मोहन पढ़ने के लिए किस शहर गया था। सेकेंड है उजरी कौन थी। तीसरा है किसान की पत्नी की मृत्यु कैसे हुई। चौथा भवानी प्रसाद मिश्र की माँ कैसी थी। आपको बता दें, टेलीग्राम पे पूरी PDF मिल जाएगी आंसर सहित, तो आप लोग टेलीग्राम तो ज्वाइन कर ही लीजिए। ये इसके आंसर मिल गया, पहला मोहन पढ़ने के लिए कहाँ गया था, तो लखनऊ गया रहा। दूसरा उजरी कौन थी, तो उजरी गाय थी। किसान की पत्नी की मृत्यु कैसे हुई, दवाई की कमी के कारण हुई। भवानी प्रसाद मिश्र की माँ कैसी थी, अनपढ़ थी। छठवां है रस के चार अंगों के नाम लिखे, तो स्थायी भाव, विभाव, अनुभव और संचारी भाव। ये आपके आंसर, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। अब ये क्वेश्चन दोस्तों, हमने आंसर अपने से लिखने का प्रयास किया है, तो आप लोग ये नहीं करिएगा कि आंसर आप लोग यही लिखें, जो स्कूल में आपके लिखाया गया आप लोग वही आंसर लिखेंगे। बस क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, नमक का दरोगा कहानी में पंडित आलोपी दीन के व्यक्तित्व में कौन से दो पहलू उभर कर आते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मियाँ नसरुद्दीन को नाना बाइयों का मसीहा क्यों कहा गया है। उसके बाद क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दोस्तों ये है कि लोक लाज खोने का अभिप्राय क्या है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पथिक का मन कहाँ विचरना चाहता है। उसके बाद छठवा है, स्वाधीन भारत में किसानों की क्या स्थिति है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कुएं किसे कहते हैं, इसकी गहराई और व्यथा का समान कुओं की क्या अवधारणा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों आते हैं, लता मंगेशकर को बेजोड़ गाय का क्यों माना गया है, कोई तीन कारण लिखिए। तो इस प्रकार से दोस्तों आप लोग क्वेश्चन स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, आंसर तो आप लोगों के स्कूल में लिखाए गए होंगे, आप वही आंसर लिखेगा, क्योंकि हमने जो आंसर लिखा है, हो सकता है वो आपके स्कूल में ना लिखाया गया हो, तो टीचर गलत कर दे। आप बस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए और बाकी PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, आप लोग ज्वाइन कीजिए। ये देखिए एक और क्वेश्चन आ गया आपका, परीक्षा अवधि में ध्वनि विस्तारक यंत्र पर प्रतिबंध लगाने हेतु अपने जिले के जिलाधीश को पत्र लिखे। तो यहाँ पे आपको पत्र लिखना है, ध्वनि विस्तारक यंत्र पर प्रतिबंध लगाने के लिए जिला
धीस को पत्र लिखना है, उसको बाद अगला है ये लीजिए आपका आ गया यहाँ पे गद्यांश आ गया। तो उदारता का विप्रास केवल निसंकोच भाव से किसी को धन दे डालना नहीं है, वरन दूसरों के प्रति उदार भाव रखना भी है। तो ये आपका उदारता से संबंधित आपका गद्यांश है, आप लोग इसको भी देख सकते हैं, उसका उचित आंसर लिख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ये हमने बात की थी कि हमको दो क्वेश्चन मिले हैं, दो क्वेश्चन पेपर, तो दूसरा क्वेश्चन पेपर भी आप लोग देख लीजिए। तो ये कुछ सही विकल्प हैं दोस्तों, तो यहाँ पे चार ही चार सही विकल्प दिए हुए हैं। तो आप लोग मेरे को जितने भी क्वेश्चन पेपर मिलते जाएंगे मैं आप तक प्रोवाइड करवाता रहूँगा, मेरा काम है आप तक प्रोवाइड करवाना। अब आप लोग सभी क्वेश्चन पेपर देख लीजिए, एक बार दिमाग में रख लीजिए, हो सकता है कि सबसे अगर आपके पांच पांच क्वेश्चन भी मिल जाएंगे तो चार पेपर बताए तो 20 क्वेश्चन, आपके 70 या 60 नंबर तो पक्के ही पक्के हैं। आप लोग ये देख लीजिए यहाँ पे सही विकल्प दिया, कबीरदास जी की रचना है, कवि कवित्व में प्रत्येक चरण में वर्ण होते हैं, लता मंगेशकर के पिताजी का नाम क्या था, गागर में सागर भर न मुहावरे का अर्थ, इसी प्रकार से रिक्त स्थान, ये आप लोग स्क्रीनशॉट करते जाइए, मैं पढ़ूंगा नहीं, स्क्रीनशॉट कीजिए आप, ये रिक्त स्थान साथ साथ स्क्रीनशॉट कीजिए आप, सही जोड़ी हो गया एक वाक्य में उत्तर, उसके बाद ये क्वेश्चन आंसर आ गए, आप लोग स्क्रीनशॉट कीजिए, ये लीजिए सही जोड़ी की स्क्रीनशॉट कीजिए, एक वाक्य और एक शब्द की स्क्रीनशॉट कीजिए। उसके बाद ये क्वेश्चन आंसर 6 से 11 तक की स्क्रीनशॉट कीजिए, 6 से 11 तक का। अब उसके बाद ये लीजिए 12-13 का कीजिए, ठीक, आप लोग स्क्रीनशॉट कीजिए। उसके बाद वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए, तो आप लोग ये लीजिए स्क्रीनशॉट कीजिए प्रश्न 14 से 18 तक का, 18 तक का स्क्रीनशॉट अपने पास रखिए, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, अब ये देखिए अपठित गद्यांश को पढ़कर उत्तर लिखना, स्वार्थ और परमार्थ मानव की दो प्रवृत्तियां हैं, तो ये आपका ये लीजिए। अब प्रश्न 20 क्या है, कबीरदास जी अथवा मीराबाई की काव्यगत विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए, और मुंशी प्रेमचंद अथवा शेखर जोशी की साहित्य विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए, ये लीजिए आप लोग इनको भी लिखिए, स्क्रीनशॉट कीजिए इनका भी। अब क्वेश्चन नंबर 22 पद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या, ये आपके सामने पद्यांश दिया हुआ है और ये गद्यांश एक साथ नहीं, हाँ ये स्क्रीनशॉट कीजिए पद्यांश गद्यांश का भी, स्क्रीनशॉट कर लिए बस, बाकी सारी चीज़ें टेलीग्राम पे मिलेंगी, परेशान होने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन आंसर सब टेलीग्राम पे मिलेगा। अब ये लीजिए 23वां नंबर और 25वें नंबर का स्क्रीनशॉट कीजिए, ठीक। यहाँ पे आपको गद्यांश है 23वां, 24वें में है, अपने क्षेत्र में बिजली संकट से उत्पन्न कठिनाइयों को उल्लेख करते हुए किसी प्रतिष्ठित समाचार संपादक को पत्र लिखना है, उसको अथवा में अपने मित्र को कोरोना संक्रमण से ग्रसित होने पर उसके लिए एक सांत्वना पत्र लिखना है, 25वां नंबर में आपका निबंध लिखना है, इंटरनेट महंगाई की समस्या, भारतीय समाज तथा नारी का महत्व, जीवन में खेलों का महत्व, यह आपको लिखना है। उसके बाद किसी एक विषय पर संक्षिप्त रूपरेखा लिखना है, या तो जल का महत्व, स्वच्छ भारत अभियान, बेरोजगारी की समस्या, परीक्षा की तैयारी, ये आप लोग लिख सकते हैं। उसके बाद अब दोस्तों यह वीडियो अभी के लिए इतना ही, अगर हमको कोई नई जानकारी मिलती है तो सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट इजी स्टडी चैनल पर और इजी स्टडी टेलीग्राम पर आपको मिलेगी, इसलिए आप सब्सक्राइब भी कीजिए और ज्वाइन भी कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो अपडेटेड, सबसे मतलब सही सटीक वीडियो लेकर नेक्स्ट वीडियो पर हम मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सारी चीज़ें, एक चीज़ और बता दूँ, सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम पर PDF वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।